विद्या स्कूल। रौनक पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार बच्चा था, जिसके कारण उसके माता पिता और गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। मगर पैसों की तंगी के चलते रौनक के पापा अमन को उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में कराना पड़ता है, जहां पर धीरे धीरे रौनक का मन पढ़ाई से हटने लगता है, जिस वजह से उसके घर वाले परेशान रहते थे। ना जाने इस लड़के को क्या हो गया है, इसी तरह से चलता रहा तो ये फेल ही हो जाएगा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। रौनक के ना पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसके नए स्कूल के दोस्त, जो ना तो खुद पढ़ते थे और ना ही रौनक को पढ़ने देते थे। ए रौनक, चल खेलने चलते। नहीं भाई, कल एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। अपने दोस्तों को पढ़ने का बोलकर रौनक अपने घर की ओर चल पड़ता है और पढ़ने बैठ जाता है, मगर उसको पढ़ाई का कुछ समझ नहीं आता और वो सो जाता है। कुछ दिन बाद रौनक और सभी बच्चों का रिजल्ट आता है और सब दोस्त फेल हो जाते हैं, और फिर वो लोग बाहर प्ले ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। रौनक यार, मेरे पापा ने मुझे फेल होने की वजह से बहुत डांटा है। मैं भी तो फेल हो गया हूँ, पर डांट खाने से पहले ही मैं घर से भाग आया हूँ। चल अब ये सब बातें छोड़ और खेलने के लिए चलते हैं। ये बच्चे बस खेलते रहेंगे, इनको अपने भविष्य की कुछ फिक्र भी है? बच्चों को देख के अमन अपने घर की ओर चल पड़ता है। तभी रास्ते में उन्हें एक दीवार पर नए स्कूल का विज्ञापन लगा दिखता है, जिसकी फीस भी कम थी। अमन उस विज्ञापन को देखकर कहता है, लगता है कि मुझे रौनक को यहाँ भेजना चाहिए, यहाँ शायद वो अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएगा और उसके पुराने दोस्तों से भी छुटकारा मिल पाएगा। अगले दिन अमन अपने बेटे रौनक का दाखिला करवाने के लिए नए स्कूल जाता है। स्कूल में चारों ओर बहुत खामोशी थी, जिसे देखकर अमन कुछ अचरज में पड़ जाता है। तभी एक औरत अमन के पास आती है। बहन जी, जितना मुझे याद है, यहाँ तो एक पुरानी सी टूटी फूटी खंडर बिल्डिंग थी, तो फिर आपका स्कूल कब बना? जी, आप सही कह रहे हैं, यहाँ एक टूटी बिल्डिंग थी जिसे हमने स्कूल में बदल दिया है। क्या आप यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराने आए हैं? जी हाँ, मुझे अपने बेटे का दाखिला करवाना था, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने भविष्य में कुछ बन जाए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेज दीजिए, फिर देखिए आपका बच्चा पढ़ लिख कर भविष्य में एक कामयाब इंसान जरूर बन जाएगा। अमन उस औरत की बातों पर विश्वास करके रौनक का दाखिला उस स्कूल में करवा देता है और घर आकर रौनक को इस बारे में बताता है। बेटा रौनक, मैंने तुम्हारा स्कूल बदल दिया है, कल से तुम्हें अपने नए स्कूल जाना है, अच्छे से वहाँ पढ़ना और फिर से फेल मत होना। चलो अच्छा है, अब मैं और भी नए दोस्त बनाऊंगा और उनके साथ खेलूंगा। थैंक यू पापा, अब फिक्र ना करें, मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अगले दिन रौनक नए स्कूल के लिए घर से निकलता है और देखता है कि टीचर स्कूल के बाहर रौनक का इंतजार कर रही है। अरे यार, पहले दिन ही टीचर मिल गई, अब तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। रौनक टीचर से बचने के लिए पीछे मुड़कर भागने ही लगता है कि टीचर उसको आवाज देती है। कहाँ जा रहे हो रौनक, कुछ देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपको मेरा नाम कैसे पता है? तुम ज्यादा सवाल मत करो, चलो अब जल्दी से अपनी क्लास में जाओ। रौनक क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है और वो देखता है कि टीचर के हाथ में एक सुंदर डिजाइन का स्केल है। टीचर पढ़ाते हुए उससे कुछ सवाल करती है, जिसका रौनक को जवाब नहीं पता होता। तभी टीचर उसी डिजाइन वाले स्केल से उसके हाथ पर मारती है। रौनक पर जादू सा हो जाता है, टीचर जैसा बोलती रौनक वैसा ही करता, और अब उसको सारे सवालों के जवाब याद थे। शाबाश, इसी तरह से पढ़ता रहेगा तो ये भविष्य में जरूर कुछ बन जाएगा। स्कूल से छुट्टी होने के बाद रौनक अपने घर पहुंच जाता है। उस पर अब भी उस स्केल का जादू था, जिसके कारण वो घर आकर भी चुपचाप पढ़ाई करने लगता है। अमन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। लगता है कि नए स्कूल जाकर रौनक सुधर गया है, अगर ये इसी तरह से मेहनत करे तो इस बार अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। इस तरह से कई दिन निकल जाते हैं और रौनक अब पहले की तरह खेलता नहीं था,
जिसको देखकर अब अमन को चिंता होने लगी थी। वो रौनक से इस बारे में बात करता है, पर रौनक अपने पिता से कुछ भी नहीं कहता। लगता है कि टीचर आजकल बहुत होमवर्क दे रही है, जिससे रौनक को खेलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। इसलिए अब मुझे रौनक के टीचर से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगले दिन अमन स्कूल जाकर देखता है कि स्कूल में वैसी ही शांति है जैसी एडमिशन के टाइम थी। वहाँ उसको कोई दिखाई नहीं देता जिससे वो रौनक की क्लास के बारे में पूछ सके। तभी उसे एक कमरे के बाहर कुछ रोशनी दिखाई देती है। शायद वहाँ कोई है, चलो उसी से रौनक की क्लास के बारे में पूछता हूँ। अमन उसी क्लासरूम की ओर चल पड़ता है। उस कमरे में जाते ही अमन के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि एक चुड़ैल हाथ में स्केल लिए रौनक को पढ़ा रही है। तभी चुड़ैल अमन को देखकर कहती है, अरे ये कौन है जो मुझे परेशान करने के लिए आ गया है। अमन अपने बेटे रौनक को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, मगर रौनक उसकी बात नहीं मानता। अब अमन सारी बातें समझ जाता है कि उस चुड़ैल ने ही रौनक को अपने वश में किया हुआ है। तभी चुड़ैल अमन के पास जाती है और उसका गला पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। अमन दूर जमीन पर जाकर गिरता है, पर अपने बेटे को बचाने के लिए वो उस चुड़ैल से बात करता है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है जिस वजह से वो अजीब व्यवहार कर रहा है? मैंने उसको अपने वश में कर लिया है ताकि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाए। लेकिन बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ खेल कूद भी जरूरी है, तभी उनका अच्छे से विकास हो पाएगा। तुम चाहे कुछ भी मांग लो, लेकिन प्लीज रौनक को छोड़ दो। मैं तेरे बेटे को अच्छे से पढ़ा के रहूंगी। इसी बीच अमन देखता है कि चुड़ैल बार बार उस डिजाइनर स्केल को अपने हाथ में उठाती है और रौनक को पढ़ाती है, और फिर बड़े ही संभाल कर मेज पर रख देती है। वो समझ जाता है कि चुड़ैल के लिए ये बहुत ही खास होगा। ठीक है, अब मेरी समझ में आपकी बात आ गई है। चलो अच्छा है, अब तुम यहाँ से जाओ, हम लोगों को डिस्टर्ब ना करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहते हुए वो चुड़ैल के टेबल के पास पहुँच जाता है और वहाँ रखा हुआ वो स्केल तोड़ देता है। अरे ये तूने क्या किया? लगता है कि तुझे अपने बच्चे का भविष्य बेहतर नहीं बनाना। चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगती है और नीचे गिरकर गायब हो जाती है। रौनक चुड़ैल के वश से बाहर आ जाता है और अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए, ये एक चुड़ैल का स्कूल है। बेटा, मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे स्कूल में दाखिला करवाया था। आप माफी मत मांगिए, अब से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा और आपका नाम रोशन करूँगा। इसके बाद दोनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं और रौनक पढ़ने लिखने में बहुत मेहनत करता है और क्लास में फर्स्ट आकर अपने पिता का नाम रोशन कर देता है।